हेलो नमस्ते दोस्तों, अंजू शर्मा किचन में आपका फिर से स्वागत है, वो भी नई रेसिपी के साथ। तो आज बनाएंगे गाजर पाक, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा इस तरीके से आप बनाओगे तो, और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ले ली है किलो भर गाजर। आप जैसे कितने सदस्य अनुसार बना रहे हो तो आप गाजर ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से छील लिया था और इनको अच्छे से पानी में धो लिया था ताकि इसमें कोई कचरा ना रहे। तो एक मैंने ले लिया एक बड़ा सा बर्तन और ये ले लिया कद्दूकस कसने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप कोई सा भी जैसे जार पसंद करते हैं उन अनुसार कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया बारीक वाला, जैसे मीडियम साइज वाला, न बारीक और न ही ज़्यादा मोटा वाला। तो इसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे और आप इस तरीके से गाजर पाक बनाओगे तो बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और आप इसको जैसे 10-15 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कद्दूकस कर लिया इनको। और जब भी आप बाज़ार से गाजर खरीदें तो जैसे बारीक हो पतली वाली गाजर ले तो इससे जल्दी गाजर पाक बन के तैयार होगा। और इनका जो सफ़ेद सपाट बीच में रहता है उसको मैंने हटा दिया था। तो आप देख सकते हैं गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और एक ले ली है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे ये गाजर। ये बहुत ही कम घी में बन के तैयार हो जाएगी, बहुत जैसे एक चम्मच में ही ये गाजर पाक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये गाजर कद्दूकस करी हुई कढ़ाई में डाल दिया और ये डाल दिया जैसे 1.5 कप चीनी का। जैसे आप मीठा कितना खाना पसंद करते हैं उस अनुसार आप इसमें मीठा डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी इस महाशिवरात्रि के व्रत पे आप इस तरीके से गाजर पाक बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है, चीनी अच्छे से पानी छोड़ने लगी है। तो इसको गैस की फ्लेम ज़्यादा करके इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि चीनी का पानी अच्छे से जैसे मिक्स हो जाए गाजर में और बिल्कुल भी ना रहे। तो आप देख सकते हैं चीनी जैसे पानी छोड़ी थी वो पानी इसमें गाजर में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से इसको पका लिया और ये देख आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी बन के इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी सा ना रहे। तो ये ले लिया 1 चम्मच घी की। जब तक ये गाजर का पाक बन रही है तब तक ये जैसे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये ले लिया है मैंने फूल मखाने। आपके पास कोई भी जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप ले सकते हैं। और ये ले ली खरबूजा के बीज, ये जैसे कद्दूकस की हुई है बादाम, ये पिस्ता और ये ले लिया है खसखस 1 चम्मच। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और जैसे आपके पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और इनको हल्का हल्का इस तरीके से सेक लेंगे। तो इस तरीके से सेक कर डालेंगे ताकि इसमें और भी स्वादिष्ट बनेगा ये गाजर पाक। तो आप देख सकते हैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से सिक गए हैं, इनका जैसे ये इनका टेक्सचर क्रंची जैसे होना लगा है। आप जब भी इसको खाएगा तो इनका स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगेगा इस तरीके से इनको सेक के डालेंगे तो। तो गाजर में जैसे और भी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और इसमें डाल दें मिल्क पाउडर, इससे अच्छे से ये गाजर पाक अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं है मिल्क पाउडर तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और इसमें डाल देंगे और इस तरीके से और भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले लिया है।
और इसमें अब डाले हैं एक चम्मच घी की। इसमें ज़्यादा घी भी बिल्कुल नहीं लगता है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं बिन घी के भी बिन दूध के भी, और वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप बिन दूध भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें कितना अच्छा गाजर पाक में कलर आ गया है। और इसमें डाल दें इलायची पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो इससे एक रखे थे ड्राई फ्रूट्स उनको डाल देंगे, जो फूल मखाने थे उनको थोड़ा थोड़ा जैसे टुकड़े कर लिए हैं इसको। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा इस तरीके से आप बनाओगे तो। और इसमें बिल्कुल भी इस तरह आप देख सकते हैं जैसे कढ़ाई का पिंदा ये छोड़ने लगा है गाजर पाक, और इस तरीके से बनाए। इसमें पानी बिल्कुल भी ना है, नहीं है इसमें, और गैस मैंने बंद कर दी है। तो इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी बना के इसको तैयार कर सकते हैं महाशिवरात्रि के व्रत पे, और इसको स्टोर भी कर सकते हैं आप जैसे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने ले ली है एक ट्रे, इसमें पॉलीथीन लगा ली है और घी इस पे अच्छे से लगा दिया है। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। आप थाली भी ले सकते हैं इसकी जगह, आपके पास ही ट्रे नहीं है तो। तो इस तरीके से इसको चारों तरफ इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि इसमें जो पीसेस काटेंगे तो अच्छे से कट जाएंगे, मिठाई बनाएंगे तो आसानी से इस तरीके से कट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से गाजर पाक सेट हो गया है, और कुछ मैंने पिस्ता इसके ऊपर और डाल दिए हैं ताकि मिठाई दिखने में बहुत सुंदर दिखेगी, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। इसको इस तरीके से दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये पिस्ता इसमें अच्छे से चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं इसको फ्रिज के बाहर ही रख सकते हैं, बाहर भी अच्छे से सेट हो जाएगी 2-3 घंटे के लिए। तो ये ले लिया है पिज्जा कटर, तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी आसानी से मिठाई कट जाती है। तो आपको इस तरीके से एक मिठाई का पीस दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार होगी। तो आप इस तरीके से घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।